मैं विधानसभा का चुनाव तुषार मलके से लड़ूंगा। चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह। गोलागढ़ की इस पावन धरती पर चौधरी बंसीलाल जी के समाधि स्थल पर उनका पोता, आपका बेटा, आपका भाई, उनके बड़े बेटे चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा जी का बेटा आज आपसे विनती करता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब अगले एक साल मेरे चुनाव के लिए आप ऐसी मेहनत करो जैसे चौधरी बंसीलाल जी के चुनाव के लिए। मैं विधानसभा का चुनाव तुषार मलके से लड़ूंगा। साथ के साथ में जो मेरे बारडा हल्के से दोस्त आए हैं उनको भी एक बात बताता हूं, चौधरी बंसीलाल आपके थे, सुरेंद्र सिंह जी आपके थे, बाऊ जी आपके हैं, उसी तरीके से मैं आपका हूं। ये भी मैं बता देता हूं, बारडा हल्के से उसी को टिकट मिलेगी जितनी मेरे को समझ है जिसको बाऊजी चाहेंगे। मेरे इस फैसले को सिर्फ और सिर्फ बाऊजी कह सकते हैं कि इन्होंने जहां से आदेश दिया मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। पर अपनी कोशिश जो है जिसमें हम अब की बार कामयाबी हासिल करेंगे कि भिवानी जिले की, जिसमें मैं दादरी और भिवानी को मैं एक मानता हूं, जितनी सीट है सारी अपनी पार्टी के जोड़ी में लेके आनी है अपने को। क्योंकि एक साफ सी बात है, हमारे सामने एक उदाहरण है, चौधरी बंसीलाल जी का उदाहरण है। अभी पीछे मैंने जो प्रभारी हैं उनको भी एक बात बताई थी कि जब चौधरी बंसीलाल जी जिंदा थे उस समय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हल्के की जो 5 की 5 सीट हैं, उन 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे जी। इसलिए वो पुरानी भिवानी में उसमें थी जी, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पुरानी जो भिवानी लोकसभा थी उसमें हिसार के भी आते थे, हासी और आदमपुर आता था, तो 7 यहाँ की होती थी, वो 7 आती थी। पर आज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वो जो 5 ये सीट हैं वो उस समय आई थी और उसके बाद से नहीं आई है, उसके बाद से सिर्फ 1 सीट आई है। तो मैंने उनको ये सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा क्यों है, ये आप सोचो, सिर्फ मेरी बात पे मत विश्वास रखो, मैं आप जनता में जनता से पूछो। और इसलिए भिवानी जिले, भिवानी और दादरी जिले के राजनीतिक उत्थान के लिए ये जरूरी है कि तोशाम हल्के से, मेरा ऐसा मानना है कि तोशाम हल्के से चौधरी बंसीलाल जी का खुद का खून, उसका पोता लड़े और जीते, क्योंकि उनकी एक सकारात्मक सोच थी। क्या सोच थी भाई, अगर 5-7 अपने जिले की 7 सीट अगर नहीं लेके आएंगे तो उन्हें लीडर कौन मानेगा। तो उसी तरीके से अगर विधायक, सिर्फ विधायक बनना है तो कहीं से आप बन जाओ, कुछ भी हो, दादाजी के नाम, सिर्फ दादाजी के नाम को लेकर, बाकी चीजें सब छोड़ो, सिर्फ दादाजी के नाम को लेकर मैं कहीं से भी विधायक बन जाऊंगा, सिर्फ उनकी टिकट से। पर अगर अपने इलाके की मजबूती वापस लेकर आनी है वो तभी होगा अगर औरों को साथ में ले जाकर जिताकर लेके आएंगे। और यही कमी हमारे जिले को, हमारे इलाके को काफी समय से सेध रही है। तो अब की बार बदलाव होगा, बदलाव सोच का होगा, बदलाव चाल चलन का होगा, बदलाव विधायक का होगा। ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहता, इसके बाद बाऊजी भी बोलेंगे, फिर उसके बाद आप सबसे मेरी ये भी विनती है, जूही चलेंगे, क्योंकि हर बार हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं। तो अब की बार मैंने ये सोचा, मैंने बाऊजी से इस चीज़ की अनुमति ली कि यहाँ पे एक बार इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि देकर फिर हम जो युवा साथी हैं सारे
जूही जाकर वहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप है और वहाँ जो और लोग आए हुए हैं उनके साथ समय बिताएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जो चौधरी बंसीलाल जी के साथ जुड़े हुए पुराने परिवार हैं हरियाणा में चाहे कहीं पे हों, उन सब को वापस से एक कड़ी में जोड़ा जाए, क्योंकि आज वो मायूस बैठे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच में देवेंद्र जी बैठे हैं, विकास पार्टी से इसालावास से विकास पार्टी से इन्हें चुनाव लड़ा था। धर्मवीर जी बैठे हैं, इन्होंने विकास पार्टी से चुनाव लड़ा था। इनको दादाजी ने खुद क्या बात कही थी एक बार आप बताओ। वो तो जबान के धनी थे। नहीं, आपको बाबूजी के बारे में क्या बोला था एक बार आप बताओ। मेरे को दो तीन बार बोला, यहाँ की जगह नहीं, यहाँ की जगह नहीं। मतलब मेरे दो बच्चे, एक बच्चा यूनिवर्सिटी अपने विकास से लिया है, गुड़िया दिल्ली है, उसका तो लिया है। मैं तो सच्चाई से कहूँ तो मैं आपके कहने से नहीं करता। मेरे को दो बार का उसके पास जाए, यहाँ तीन जगह ठीक नहीं है। तो माँ जी मेरे दुश्रुति को छोटी और ना मैंने कुछ लेना देना था। तो दादाजी ने खुद इनको वही, मैं आपको खुद बता सकता हूँ ये बात, मैं आपको खुद ये बता सकता हूँ कि दादरी में जो दादाजी ने आखिरी मीटिंग ली थी उसमें तो आप में से कुछ लोग मौजूद भी थे। क्या कहा था उनने कि क्यों भाई, एक साफ सी बात है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, किसी के बारे में खराब नहीं कहता। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने जब श्रुति ने चुनाव लड़ा था उसको वोट दी थी, किसी को मना नहीं किया बाबूजी ने, किसी को मना नहीं किया बाबूजी, क्यों? उनके भाई की बेटी थी। और यहाँ पर जब आदमपुर में मीटिंग हुई थी तब मैंने ठोक के बात कही थी कि नाम लेके मैंने कही थी कि भाई मदद करनी, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, वो नहीं चाहते कि हमारी राजनीतिक मजबूती बने, वो कहते हैं भाई कही नहीं थी। ये वो वाली बात है, मतलब एक बार किसी के खेत में पड़ोसी की भैंस पड़ गई तो उसने बताई उसको, भाई दवाई छिड़क रखी है, खाओगी तो मर जाएगी, ना रोक ले, अरे भाई खांदे खांदे मरेगी तो मरेगी। तो भैंस का इलाज है नहीं, कई बार क्या होते हैं फोन समझ में नहीं आता कहाँ से, तो इसलिए मैं एक बार फिर आप सब से विनती करता हूँ, पिछले एक साल में आप सबने बहुत मेहनत करी है, जो कड़ी जुड़ी है, जो दादाजी के पुराने आदमी आप लोगों ने मेरे साथ जोड़े हैं, मैं उस चीज़ के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यही मेरी कोशिश है, यही मेरी इच्छा है। और अब अगले चार महीने, अगले एक साल यही खेती है। मैं उससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं किया ज़्यादा, पर अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अब इसी चीज़ को लेकर मैं पिछली बार भी एक बात मैंने कही थी और आज भी इस चीज़ को मैं दोहराता हूँ, आप जब अपने घर से निकलते हो, घर से निकलकर यहाँ आए, तो आप ये मत समझना कि बस क्या, उस घर से निकलकर यहाँ आना ये एक छोटा सा आपका एक जो आपने एक कोशिश करी है, ये इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है, इसमें मेरी मदद होती है। आप जब भिवानी में रैली हुई, कुछ लोगों ने कुछ बोला, कुछ ने कुछ बोला, आप लोगों ने उस रैली को कामयाब बनाया है मेरी रिक्वेस्ट पे, पर आप लोगों ने कामयाब बनाया। वहां जब दादाजी के नारे गूंज रहे थे, भिवानी जिले के, दादरी जिले के एक एक आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। कोई चाहे किसी के साथ आया हो, गया वो चौधरी बंसीलाल का नाम लेके,
इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अभी बाबू जी के बोलने के बाद में एक बार पहले दादाजी के नारे लगाएंगे और उसके बाद में फिर अपन जूही की तरफ चलेंगे।